हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि मिश्रा आपके अपने चैनल अंजलि के घरेलू नुस्खे में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगी मसूड़ों में सूजन या दांत से परेशान है तो आपको कुछ होम रेमेडीज बताएंगे जिससे दर्द से राहत तुरंत मिल जाए। फ्रेंड्स, दांत का दर्द कभी भी कहीं भी आपको परेशान कर सकता है। ये इतना तीव्र होता है कि मसूड़ों से लेकर कान, गला और सिर तक इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए दवा करने से पहले कुछ होम रेमेडीज ट्राई कर लेना चाहिए जिससे आपको हो सकता है कि राहत मिले। फ्रेंड्स, फिटनेस से लेकर स्किन केयर तक सभी इन चीज़ों पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, परंतु ओवरऑल हेल्थ और हाइजीन को हल्के में ले लेते हैं। पूरे दिन केवल एक बार ब्रश कर लेते हैं काफ़ी नहीं होता है। हम सभी दिन भर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जिससे हमारा मुंह कई तरह के कीटाणुओं के संपर्क में आता है, जिसकी वजह से मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों में खून आना, दांत में दर्द होना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। फ्रेंड्स, आप भी इससे परेशान है तो आपको मैं कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिससे आप अपनाकर राहत पा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए जिससे आपको घरेलू नुस्खे पता चल जाएगा कि क्या क्या घरेलू नुस्खे अपनाकर अपने दांत या मसूड़ों के दर्द से राहत पा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहला नुस्खा आप सभी को बताऊंगी, हल्दी, घी और शहद से बना पेस्ट। करना क्या है आपको फ्रेंड्स, हल्दी, घी और शहद की एक उचित मात्रा को एक साथ मिला लें। आप नियमित रूप से इस पेस्ट को अपने दांत और मसूड़ों पर एक बार ज़रूर अप्लाई करें। फ्रेंड्स, दूसरा नुस्खा है पुदीने की चाय। एक कप पानी में एक चम्मच सूखी पुदीना की पत्तियां डालें और इसमें लगभग 15 मिनट तक उबाल आने दें। अब इस पानी को ठंडा कर लें, फिर उसकी मदद से आप गरारा करें, आपके मसूड़ों को बहुत ही राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, तीसरा नुस्खा है लहसुन की कलियां। यदि आप दांत और मसूड़ों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं तो इससे राहत पाने के लिए रोज़ाना लहसुन की 1 से 2 कलियों को चबाएं। दालचीनी, दांतों के दर्द से राहत पाने के लिए दालचीनी के तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ ही नारियल के तेल में मिलाकर इससे दांत और एवं मसूड़ों को मसाज दें। दालचीनी का काढ़ा बनाएं और इसे ठंडा करके इससे गरारा करें। यह दांत एवं मसूड़ों को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ सांसों की बदबू से राहत पाने में भी मदद करता है। फ्रेंड्स, यह मैंने 5 तरीके के घरेलू नुस्खे आप सभी को बताए हैं। आप इसको अपनाकर दांत या मसूड़े के दर्द से राहत पा सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।